आज इस देश के अंदर हमारे नौजवान सरहद पे शहीद हो जाता है और किसान खेत में शहीद हो जाता है। दाने दाने पकाने वाला कहते धरती का पालनहार, आज वही किसान उसी खेत के अंदर उसी धरती पे शोषण करता है। ઉદાસ રહેતા બે મહિનાથી વધારે હાવ સોન મુન જ રહેતા, આપણે પૂછી તો જવાબ દેતા, નકર કઈ બોલતા કે એવું કઈ નહીં. એ તો કાયમિકનો ધંધો રહ્યો, વાડીએ પાણી વરવાથી રાતના જાય જ છે. તો આપણે તો એમ જ હોય ને કે રાતના પાણી વરવા ગયા છે, તે પાણી વરવા નામ લઈને ગયા હતા. તો બાયુ કંઈ રોકી ન ગઈ કે અત્યારે ન જવાય, પાણી વરવા જાઓ છો? કીધું હા જાઓ પાણી વરવા, રોજ જતા હે. બહુ જ એકદમ જે શ્રાવણ જેવા દીકરા હોય ને એવો હતો ધ્યાનમાં દીકરો. બધી જવાબદારી એની માથે જ હતી, ક્યાંથી લઈ આવે ક્યાંથી દઈ આવે કોઈ જબત અમે પૂછતું જ નથી. એવું દીકરાને બધું એ જ કરતો હતો. હતો બહુ બનતી હતી દોનો ભાઈ કે કભી ઝઘડા નહીં હુઆ થા ઇતને સાલ મેં કિતની બાર જબ હમ બાડી પે હોતે થે તો મેં સમજાતા થા કે વો સબ હો જાયેગા, કોઈ ટેન્શન આપ મત લીજીએ. પણ ઉસકે મગજ મેં નિકલતા હી નહીં થાય એ ટેન્શન. મેં મોડા સવારમાં મોડા આવ્યા ને એટલે મેં કીધું હજી કેમ 6 વાગ્યા આવ્યા નહીં. ફોન કર્યો તે ફોન કર્યો કે રિંગ ઉપાડતા નહોતા. પછી અમારા દેરાણીએ કીધું તમારા દેરને ઉઠાડ્યા અને એ ગયા, તો એને પાછો ફોન કર્યો તો પછી ફોન કંઈ લાગતો નહોતા. અમારા બા વાળી ગયા તે ખબર પડી. અમે ઘરે જ હતા એમ, અમે કંઈ બહાર નહોતા ગયા. દીકરાને અમને એ તો થાય દુઃખ, આટલી ઉંમરે એને એની ઉંમર થોડીક હતી બેન. એ તો લેણું હતું એ તો અમને ખબર જ હતી કે લોન લેતા, તો એ તો ઘરે ખબર જ હોય ને કે લોન લીધી છે કે ઘરેણા ઉપર લોન લીધી છે. આ દવાખાનામાં રહેવા હતા કે ભાઈબંધ પાસે લીધા, એ તો અમને કે અમને ખબર હતી. કપાસ એક લીધો તો એમાંય નુકસાન થયું હતું કે કપાસમાં કંઈ પાક બહુ સારો આવ્યો નહોતો 2 વર્ષથી. બેંક કા વો ગોલ્ડ લોન વાલા હે ઉસકા કાગજ આતે થે, વો બેંક કા કાગજ આતે થે, સભી જગહ સે કાગજ આતે થે, વો વાડી પે લોન લી હે ઉસકા કાગજ આતે થે. किसान ने जो सुसाइड किया उनका कारण ये है कि पति पत्नी और बालक रहते हैं. मार्च महीने में उसका आमदनी आया, वो गांव वाले से ब्याज पर पैसा लेता है या तो बैंक से लेता है, तो जो उसको 25,000-50,000 लाख रुपया उसको व्यापारियों को या बैंक को कर्ज भरना पड़ता है. जब कर्जदार उसके घर पर आते हैं, उसके घर पर खाने का नहीं है, तो वो 1 लाख रुपया दूसरे के पास से ब्याज पर लेते हैं, वो बैंक को भरते हैं, तो बैंक से उल्टा सुल्टा कर्ज देते हैं. फिर बाद में अगले साल जो आता है तो 1,00,000 के पीछे 1,80,000 हो जाता है, तो और उसकी आमदनी 60,000 ही है. तो 5 साल के अंदर किसान 2-3 लाख रुपया का देवादार हो जाता है. जब सुसाइड किया रविराज ने तो अगले साल मगफली का बिल्कुल सूखा पड़ा था वो साल, और 15-20 गुनी मगफली हुआ था, ज़्यादा से ज्यादा 15-20 गुनी, એટલે 30-35 મણ મગફળી હોવા હતા જ્યાદા સે જ્યાદા. 2 એકર મેં મગફળી થઈ, 2 એકર મેં કપાસ થા. કપાસ ભી કુછ જ્યાદા નહીં હોવા, 5-5 મણ વીજે પે હોવા હતા. કપાસ ભી બિલકુલ સૂકા પડા હોવા હતા, ખર્ચા કા ભી ઉસમેં પૈસા નહીં મિલા. સરકાર કી કૃષિ વિરોધી આર્થિક નીતિ, મહેંગા બીજ, ઉત્પાદન ખર્ચો બઢ જાતા હૈ, ઓર સામને સે જો કુદરતી આપત્તિ આતી હૈ उसके अंदर किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिलता है, और उत्पादन का जो खर्च बढ़ गया, और जब उत्पादन आता है तो कम पैसे में उत्पादन उसका बिल्कुल मुफ्त के भाव में जाता है. तो आज आप देखिए कि एक फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला मजदूर को पर मंथ 9,000 रुपया मिलता है, तो किसान पति पत्नी और बालक 4 लोग 365 दिन काम करते हैं,
तो उसको पर डे 200 रुपया तो नहीं मिलता है, लेकिन वो पर डे 200 रुपया बाहर से लेके फर्टिलाइजर डालते हैं, दवाई डालते हैं, यूरिया खातर डालते हैं। जब उसके पास आमदनी आती है तब पर हेक्टर गुजरात के अंदर पर हेक्टर 60,000 रुपया का खर्चा होता है, और पति पत्नी बालकों का जो मेहनत करते हैं वो तो पैसा उनके अंदर गनते नहीं है। तो अच्छा माहौल है, अच्छा फसल है, फिर भी उसको 40,000 की आवक है, पर हेक्टर 20,000 रुपया का नुकसान है। पुलिस वाला ने बधे आया था, बधे एम की मल से, पण जी कोई काई मिलू ज नथी। पूरे गांव ने मिलकर एक दिन हमने धरना किया वो सरकार के विरोध में। तो वहाँ से एक दो लोग आए, दो तीन लोग, वो बोले आपका वो कागड़िया कागज नहीं मिला है। तो हमने कागज भी दिया, तो उसमें वो बोलते हैं कि आपके खातेदार नहीं है तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जब धरना किया था तो तब आश्वासन आके दे गए थे कि आपको मकान की सहाय देंगे, BPL देंगे, ऐसा देंगे, वैसा देंगे, लेकिन जो असल में हमको जो सहाय चाहिए वो नहीं मिली अब तक। जो कर्ज है भाई के माथे, वो कर्ज कहाँ से चुकाए? BPL कार्ड देंगे तो BPL कार्ड से कोई कर्ज नहीं चुक जाएगा ना। तो हमने तो यूँ लागे कहीं देता ना सिर्फ सुबह में कहे हुए आवे तो मरे तो था ही ना करता सरकार हमने पगथिया दिए आज ने कायल आज ने कायल करे। बे बाळक छे, 8 वर्षनो बाबो छे राजू नाम से, ने 6 वर्षनी बेबी छे आराधना। વિચાર શું કરીએ અમે તો હવે બેઠા છે અમને, એ તો એને માર્ગે વહી ગયો, મોટા કરવાનું બાલ ગોપાલ એને આપણે ભણાવવા, એને કેવી રીતે ભણવાનું, કેવી રીતે મોટા કરવા, એમ સરકાર જો મદદ કરે તો આગળ હાલી આગી, નાખે શું કરી ઘર કા ખર્ચા। બસ મેરે કાકા હે રવિરાજ કે પિતા, वो सिक्योरिटी में अब तक जाते थे, और ये ना छोटा भाई है वो भी मेटोडा JDC में काम पे जाते हैं, तो इधर उधर करके चलाते हैं खर्चा पानी। जब 2002 से 2007 के अंदर एक गुजरात के अंदर गतिशील गुजरात, हमारा गुजरात और सुरक्षित गुजरात का एक माहौल चल रहा था 2001 से 2007 तक। विकास का जन्म आया 2012 से, पहले क्या था? सुरक्षा और गति। तो उस टाइम मैंने एक RTI किया कि गुजरात के अंदर जिस फार्मर ने सुसाइड किया है उसका नाम सरना वो दे दे। तो उस टाइम के अंदर 2479 किसानों ने सुसाइड किया है, ऐसा गुजरात स्टेट पुलिस कंट्रोल बोर्ड ने मैंने डेटा दिया। इसमें भी बहुत अंतर विरोध आया, सरकार बोलती है सुसाइड नहीं किया है, पुलिस बोलती है सुसाइड किया है, गाँव वाले बोलते हैं सुसाइड किया है, सरकार ने बोला कि आपको ऐसा नहीं लिखने का, अगम्य कारण बोलना। तो स्टेट निकाय के अंदर ऐसा बोला है कि नॉन, कोई क्या कारण है मालूम ही नहीं है। फिर मैंने 2012 में RTI किया। 2012 का बहुत इंटरेस्टिंग घटना है, 2012 में गुजरात में अकाल पड़ा, जुलाई से अगस्त तक एक ही महीना के अंदर 14 फार्मर ने सुसाइड किया, पूरे मीडिया के अंदर फर्स्ट पेज में आया, मैंने उस टाइम RTI डाला। तो 2008 से 2012 तक 152 फार्मर ने सुसाइड किया, नामदार हाईकोर्ट के अंदर हमने PL किया कि भाई अकाल है और सुसाइड करता है, कोई नीति बनाओ। 2013 में हाईकोर्ट ने बोला कि ये स्टेट का सवाल है, नामदार अदालत इसमें कुछ नहीं कर सकती है। अगर जब कांग्रेस की सरकार थी, जब मूंगफली का भाव आता था 1200-1200 रुपया, कपास का भाव आता था, तब DAP वो खातर बातर वगैरह का भाव भी 300-400 रुपया थैली थी, आज भाजपा के सरकार में 1200 रुपया थैली है। जो क्विंटल 400 रुपये के मिलते थे वो आज भाजपा की सरकार में 1200 रुपये का मिलता है। हाँ, जो कांग्रेस की सरकार में 1000-1100 रुपया मगफली का भाव था, उस मगफली का आज 500 रुपया भाव है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन ग्राही रखी, बोला कि देश का मामला है और ये सरकार की नीतियाँ गलत है, और 27 फरवरी 2017 को भारत सरकार को RBI बैंक को ऑर्डर किया कि 4 हफ्ते के अंदर सरकार नीति बनाइए, और जिस फार्मर ने सुसाइड किया उसका मुआवजा ये कायमी उकेल नहीं है, किसानों के लिए तुम नीति बनाओ। आज दुख की बात है, भारत के एक भी राज्य ने, भारत सरकार ने और RBI ने नीति बना के सर्वोच्च अदालत में अभी तक एफिडेविट नहीं दिया है, और 1 साल का मुदत मांगा। सर्वोच्च अदालत ने बोला कि 1 साल ज़्यादा है, अब दिसंबर तक एग्रीकल्चर पॉलिसी बना के हमको जाहिर करो। सरकार से यही कहना चाहेंगे
ये जो दूसरों को सहाय देते हैं, जो पैसे वाले हैं, अभी हमारे जो भाई का हुआ उससे पहले 2 महीने पहले हमारे बाजू के गांव में एक पटेल का मृत्यु हो गया ट्रैक्टर का अकस्मात में। उसको 6-7 लाख रुपये सहाय मिली क्योंकि उसका भतीजा पत्रकार था, वो राजकारणी था। हमारा कोई नहीं है इसलिए हम खातेदार जमीन नहीं है तो हमको नहीं मिला। जो पैसे वाला है उसको 5-6 लाख रुपया मिला तो हमको क्यों नहीं? ये सरकार क्या पैसों वाले की ही है, गरीब लोगों की सरकार नहीं है। अधिकारी लोग है, अधिकारी लोग को हमने हजारों एप्लीकेशन दिया, उनको विडो पेंशन दो, उनको घर दो। और मुख्यमंत्री का जो राहत फंड आता है उस फंड में तो आप दो, लेकिन बोलते हैं कि आपघात किए हुए किसानों को मुआवजा देने के लिए सरकार की कोई नीति नहीं है। तो नीति किसकी है, किसके लिए आपकी नीति है? मैंने तुम पत्नी ची उछरा मार माव तो मैं बाप नोटी नोटी पाए हम बती दिन उठी पर कोई दिए बाप नो के पाए नो कोई दिए नहीं आता था।